हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ का रिव्यू करूंगी जिसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसी के बारे में फुली डिटेल से बात करूंगी क्योंकि बहुत ही कम प्राइस की साड़ी है। तो अगर आप भी इस टाइप की साड़ी लेने की सोच रही हैं कैजुअल के अकॉर्डिंग, घर में पहनने के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी बेस्ट है। इसी के फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, ये सिरिल ब्रांड की साड़ी है और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है और स्ट्रिप प्रिंट है। मुझे इस टाइप की साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। सो आप देख सकते हैं 269 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जिसमें आपको 70% ऑफ मिलेगा। अगर आपको भी इस टाइप की साड़ी अच्छी लगती है तो इस टाइप की साड़ी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकती हैं। ये काफ़ी बेस्ट है और आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो गाइस, आप देख सकती हैं 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिलेगी। और मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि इसे पहनने पर आप ईजिली, इतने कंफर्टेबल से आप इसे पहन सकती हैं। और ये इसका पल्ला है, साथ ही गाइस ये इसके ब्लाउज का पीस है जिसे आप किसी भी तरीके से स्टिच करवा सकती हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा सकती हैं। तो गाइस, मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी। सो आप देख सकती हैं इसका प्रिंट और इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, और पहनने के बाद ये इतनी ज़्यादा लाइट वेट लगती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे भी पहन सकती हैं, मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी। मोस्टली क्या होता है, गर्मियों में इसी टाइप की लाइट वेट साड़ी अच्छी लगती है, हैवी प्रिंट की साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप ऑफिस गोएंगे, कहीं बाहर जा रही हैं, डेली यूज़ में आपका बाहर आना जाना लगा रहता है, तो आप इस टाइप की पतली साड़ियाँ ही चूज़ कीजिए। ये साड़ियाँ काफ़ी अच्छी रहती है और कम्फर्टेबल भी रहती है। और इसके अंदर जो पेटीकोट सेवियर आते हैं, आप वो पहनिए, वो बहुत कंफर्टेबल भी रहते हैं। साथ ही उसको पहनने के बाद आपकी साड़ी की जो फिटिंग है वो और भी अच्छी आएगी, साथ ही आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस साड़ी को पहन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से भी आप पहन सकते हैं। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है या जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।